मेरा सवाल है, हमेशा हिंदुस्तान अपना हाथ बढ़ाता है पाकिस्तान की तरफ। सर इधर सर, अभी हाल में क्रिकेट सीरीज भी हुई, काफ़ी अच्छा दोस्ताना संबंध भी था, लेकिन पिछले कुछ समय में जो हालात हुए आपने देखा, हिंदुस्तान के दो सैनिक शहीद कर दिए गए, इसके बारे में क्या कहना है? क्या हमेशा ही हिंदुस्तान पाकिस्तान के आगे हाथ बढ़ाता ही रहेगा दोस्ती का, पाकिस्तान का कोई फर्ज नहीं बनता है? सी, एक तो मैं बोलूँगा यार, तुम यंग हो, कॉन्ट्रोवर्सी इससे ज़्यादा हो, मैं कुछ बोलूँ, ये बताना चाहूँगा कि चीज़ों को अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स को, वॉर को, स्ट्राइफ को, बॉर्डर को और स्पोर्ट्स को थोड़ा अलग रखें, वरना ना कन्फ्यूजन हो जाता है। पिछली बार ही मैंने स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बोला तो ऐसे ही बवा बम हो गया, झगड़ा हो गया। तो आई वॉन्ट टू बी, यू नो व्हाट, इन अ कंट्री विच इज़ सो वॉलेटाइल एंड विद द यूथ वॉन्टिंग ऑलवेज टू टेक अ स्टांस, समटाइम्स रियली रियली हार्ड स्टांसेस रिसेंटली वी हैव सीन एंड एवरीवेयर एंड विच इज़ अ गुड थिंग इन अ डेमोक्रेसी, आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्टी टू समथिंग दैट क्रिएट्स, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट, इवन इफ इट्स अ नाइस साउंड बाइट, आई वुड नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन समथिंग with which we both don't have knowledge. Having said that, I really believe any kind of war, only the dead have seen the end of war. Nobody else sees the end of war. I think you and I, all of us, should be looking at methods to be able to end the strife at the border or the relationship. अब ऐसा बोले हम, अगर अगर सही सुनना है तो मैंने भी सुने टीवी के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि हाँ सबक सिखा देंगे और हमको, obviously it is completely wrong. I think it's extremely sad. I think it should not happen. कल मैं काम करके 3 बजे पहुंचा, सुबह 7 बजे तक मैं सारी न्यूज़ देख रहा था, फिर मैंने वो माओइस्ट का भी देखा, एंड इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड, एंड यू नो व्हेन यू सी पीपल हु हैव डाइड फॉर रीजंस, फाइनली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, आर रियली अननेसेसरी। तो हमारा हार्ड स्टैंड होना चाहिए, आई बीन हियरिंग ऑल द बिग पीपल से वी विल टेक अ हार्ड स्टैंड, आई थिंक इंटरनेशनली वी नीड टू बी वेरी क्लियर एंड टेल द वर्ल्ड दैट विच एवर द नेबर इज, if there is a strife with our country, if they're doing something wrong, as is being shown right now, then they should be taken into account and they should be put to test. And as an Indian, I truly am extremely saddened by what is happening around, and it's completely wrong. Ab uska matlab ye hai ki hum bhi waisa hi kare ya nahi kare, I think that's a very big decision. Main aur aap yahan baith kar bole ki ha hum bhi waisa hi attack kar dete hain, would that make a good impression in terms of humanity? But having a strife against us, I think we should not buckle down. I believe in it. I believe our nation should never ever take a stance, and we never have. We never have actually. We may have taken time, we may have followed the right path, but I think as a nation we've never taken a stand which is soft, and neither will we right now. And we should take a hard stand and make the people realize that this country is not a country to be messed around.